नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया था 69,000 की आंशिकी को लेकर, वो फिलहाल जारी कर दिया गया है। लेकिन इस आदेश को समझने के लिए आपको वीडियो को समझना पड़ेगा, जिससे कि आप सभी को किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 69,000 शिक्षक भर्ती वैसे तो पूरी हो गई है, लेकिन अभी इसके अंदर ऐसे विवाद लगे हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं काफी लंबे समय तक चलेंगे। एक आरक्षण का मुद्दा है तो दूसरी तरफ उत्तर कुंजी को लेकर है। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे को लेकर हो सकता है कि अभ्यर्थी इससे आगे भी चले जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ, लेकिन वो बाद का सवाल होगा। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती का उत्तर कुंजी मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। यहाँ पे कॉमन नंबर को लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है, और असल में जो कॉमन नंबर है वो दिया भी गया है। लेकिन ऐसे में क्या किस किस को कॉमन नंबर मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको अवश्य बता दूं, क्योंकि आपको यहाँ पे गुमराह करने वाली चीजें हो सकती है कुछ लोगों की तरफ से। देखो, सबको यहाँ पे याची लाभ नहीं दिया गया है। एक आसान भाषा में समझें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2,000 याची बने हुए थे तो उन सबको याची लाभ दे दिया गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती के उत्तर कुंजी मुद्दे को लेकर सिर्फ उन छात्रों को कॉमन नंबर दिया गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि उन याची छात्रों को कॉमन नंबर दिया गया है जिनका अंतिम कट ऑफ के अनुसार जो चयन है वो रुका हुआ था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जनरल की जो कट ऑफ है 66 गई है ना, कट ऑफ तो इससे ज्यादा गई थी, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। लेकिन एक अभ्यर्थी का जो नंबर है वो 65 बन रहा है, ठीक है। अगर उसको यहाँ पे एक नंबर कॉमन मिलता है और 66 नंबर हो जाता है, अगर वो अंतिम कट ऑफ में शामिल हो रहा है इस एक कॉमन नंबर को लेकर, तो उसका यहाँ पे जो चयन है वो किया जाएगा, जिसके बारे में हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि सरकार उसको यहाँ पे स्वीकार करे। एक नंबर कॉमन देने को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से आदेशित किया गया है। एक बार फिर से समझा दूं कि एक याची अगर ऐसा कोई है जिसका यहाँ पे 66 की जो कट ऑफ है वो गई थी, और एक नंबर उसका यहाँ 65 बन रहा था, और एक नंबर जोड़कर अगर वो अंतिम कट ऑफ पे पहुंच जाता है तो उसको यहाँ पे सरकार स्वीकार करे और उसको यहाँ नौकरी दी जाए। आसान भाषा में कहा जाए तो यहाँ पे सबको जो याची लाभ जैसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है, सिर्फ उन छात्रों को जिन्होंने यहाँ पे याचिका दाखिल की थी। अगर उसमें से चाहे एक अभ्यर्थी है या दो अभ्यर्थी हैं या फिर 10 अभ्यर्थी हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को लिया जाएगा जिनका यहाँ पे अंतिम कट ऑफ में सिर्फ एक नंबर से रुका हुआ था। एक नंबर कॉमन उन सभी को सिर्फ दिया जाएगा, इसके अलावा किसी को नहीं है। क्वेश्चन कौन सा होगा, परिभाषा वाला जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेगा। अब याची तो 2,000-3,000 हो सकते हैं, लेकिन जो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है उसके क्रम में ये जानकारी दी गई है। बाकी आप लोग इंतजार कर लें, जो भी चीजें आप सभी को सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है, हाईकोर्ट का जो आदेश दिया गया उसके अनुसार मैंने आपको बता दिया है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा, उत्तर कुंजी के ऑर्डर को लेकर याचियों में जिनका एक अंक से रुका हुआ है, सिर्फ उनको यहाँ पे एक अभ्यर्थी को, जैसे कि 60 नंबर पे एक अंक से रुका हुआ है तो उनको जो लाभ है वो दे दिया जाएगा। जिनका एक अंक से ज्यादा पर रुका हुआ है उनको ये एक अंक नहीं दिया जाएगा, जैसा कि आप सभी देख पाए। और ऐसे में जो चयनित हो चुके हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। अब इसको लेकर फैसला सरकार को लेना है, कैसे उनको सीट दी जाएगी, इतने छात्रों की संख्या कितनी है, 10, 20, 15, 2,000 या 1,000 जो भी होगा, ये तो आप सभी को एक दो दिन के अंदर क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे याची लाभ जैसा नहीं हुआ है, सिर्फ उनको दिया गया है जिनका एक नंबर यहाँ रुका हुआ था और जिन्होंने याचिका दाखिल की थी। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हाईकोर्ट की तरफ से फिलहाल ये आदेश दिया गया है। अब इसको लेकर छात्र आगे जाते हैं, सरकार जाती है, वो चीजें आपको आगामी समय के अंदर क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।